मौज मस्ती करी, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करी, लेकिन एग्जाम में गए और टेंशन फ्री होके, कोई टेंशन ही नहीं है, एनर्जी चाहिए ना बैठने के लिए भी और इतना दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए भी। लेकिन मैंने ये गलती आज तक कभी नहीं की। कौन सी गलती? वो शर्माना मत ये बोलने में, कहीं डरी जाओ या टीचर पीट ना दे, भाई कोई नहीं पीटता। तो यहाँ से आपने ये करेंगे ना जब, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार मैंने इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो मैं पास हो गया। जब पेपर पहली बार आप हाथ में लेंगे तो कौन सी फीलिंग होगी पता है? जीरो मार्क्स, कोई नंबर नहीं। क्यों नहीं? पूरा पांच नंबर का सवाल उसको आता है, सही लिख के आया है, एक भी नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सो फाइनली गाइस, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का आपने ना चाहते हुए भी पूरे साल इंतजार किया है, आपके एग्जाम का दिन। कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या नर्वस हैं? क्या टेंस्ड हैं? क्या डरे हुए हैं? क्या एक्साइटेड हैं? क्या एंशियस हैं? आई थिंक ये सारी ही फीलिंग आ रही होगी, बट डोंट वरी, एक गहरी सांस लीजिए। विद ऑल योर प्रिपरेशन, जितनी भी तैयारी आपने करी है उससे आप अपने एग्जाम के एनिमी को बहुत आसानी से डिफीट कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम कराने का मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज और आपकी स्टडी स्किल्स को चेक करना नहीं है, साथ साथ ये चेक करना है कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे डेवलप हुए हो, आप स्ट्रेस के अंदर कैसे कोई काम, अंडर प्रेशर कैसे कोई काम कर सकते हो, ये भी चीज़ चेक की जाती है। इसीलिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टॉपर्स, मतलब टॉपर्स में कहलाए जाते हैं क्लास में, बहुत अच्छे रट्टू होते, सब कुछ उनको याद है, लेकिन एग्जाम में जाके फुसलाते। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता, अंडर प्रेशर वो काम नहीं कर पाते, वहां डब्बा गुल जाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे बैक बेंचर रहे हैं, पूरे साल पीछे बैठे, मौज मस्ती करी, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करी, लेकिन एग्जाम में गए और टेंशन फ्री होके, कोई टेंशन ही नहीं है, गए मस्ती मारते हुए, बेझिझक उन्होंने बिल्कुल मजे से एग्जाम किया, अच्छे मार्क्स लेकर आ गए। इसीलिए जब आप बहादुरी के साथ एग्जाम को देकर आएंगे, बिना डरे निडर होकर काम करके आएंगे, तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अपने आप को एक बेटर इंसान के रूप में पाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि आज के दिन से, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है, आज के दिन सुबह से एग्जाम हॉल में पहुंचने तक, एग्जाम सेंटर के अंदर जाने तक, पेपर करने के दौरान और पेपर के बाद, आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए जो आपका कॉन्फिडेंट डेवलप करेंगी, और क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब कर सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखकर जाइए, सारी की सारी पढ़ाई धरी रखी रह जाएगी अगर ये गलती आपने कर दी तो। इसीलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं सुबह उठते ही, वो है रिवीजन। जिस सब्जेक्ट का आज पेपर है तो आप सुबह उसका रिवीजन कर सकते हैं, हद से हद एक घंटा, बस एक घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है। सुबह उठते ही सबसे पहले रिवीजन आप कर लीजिए, मोटी मोटी चीज़ों का, सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाना, जो मोटी मोटी मेन हाईलाइट्स है कि इसमें तो सवाल आने के चांसेज हैं या ये वाले सवाल पूछे जाते ही हैं, उनको एक बार देख लो ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। एक घंटा आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो स्किप मत करना। क्या मत करना? आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। जी हाँ, नाश्ता मत छोड़ देना कि पेट में होल मची हो, ये खाना ही नहीं खाया जा रहा, नाश्ता ही नहीं हो रहा, खाली पेट पहुंच गया एग्जाम देने। भैया, तीन घंटे आपको टिक के बैठना है, वो पूरा दिमाग का यूज करना है, एनर्जी चाहिए ना बैठने के लिए भी और इतना दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए भी। तो भैया कुछ खा पी के जाना, ठीक है, नाश्ता पानी करके जाना, जूस पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, लेकिन खाली पेट मत निकल जाना, बट टेंशन में, ये बात का आपको ध्यान रखना। अब आप सुबह टाइम पे उठे, आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन करते ही बुक्स आपने साइड में रख दी, आप फ्रेश हुए, आपने नाश्ता पानी कर लिया, उसके बाद जो चीज़ें आपने रात को ही रेडी करके रख ली थी, ठीक है, आपके पेन पेंसिल, आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें थी, अब आप टाइम पर ही, टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए एग्जाम सेंटर में। और हाँ, ऐसे बच्चों के साथ मत जाना जो कि पहले से ही डरे हुए हैं, पता लगा वो पहले ही डरे हुए, तीन चार आ गए, आप भी उनसे मिल गए, अब वही बातें चल रही हैं, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरी पढ़ाई ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, आप भी उसी माहौल में जाओगे, आप भी नर्वस हो जाओगे। तो अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है कि भैया नर्वस है एग्जाम सेंटर के बाहर, मत मिलना उससे, ठीक है जी, हाँ हेलो करके साइड में आपको हो जाना है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए, ठीक है, 10th का भी दिया, 12th का भी दिया, उसके बाद टीचिंग के भी एग्जाम दिए, KVS, SSSS भी क्वालिफाइड किया, CTET तीन बार क्वालिफाइड किया, लेकिन मैंने ये गलती आज तक कभी नहीं की। कौन सी गलती? वो गलती है एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच के किताबें लेके पढ़ना। जी हाँ, सेंटर खुलने वाला है, गेट पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं यार ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये वाली गलती आप लोग मत करना। और जो बच्चे ये गलती कर रहे हो,
उनसे बिल्कुल दूर हो जाना, उनसे बात भी मत करना, उनकी तरफ देखना भी मत। जी हाँ, ऐसे बच्चे खुद तो टेंशन में होते ही हैं, पर एग्जाम सेंटर अंदर तुम पहुंचने वाले हो, तुम अभी भी किताब लेके पढ़ रहे हो, तो तुमने क्या तैयारी करी, पूरे साल क्या करा तुमने? जी हाँ, कुछ नहीं करा। तो ऐसे बच्चों को आपको नहीं देखना है, उसकी टेंशन वो जाने, ऐसे बच्चे आपको भी डरा देंगे, ना उनसे बात करनी है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी कि एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच के आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना, एंजाइटी टेंशन बहुत बढ़ जाएगी। सुकून से रहो, ज़्यादा किसी से फालतू बोलो मत, ज़्यादा देर खड़े मत रहो कि एनर्जी आपकी वहीं ड्रेन हो जाए, एक तरफ जाके कहीं पे कोने में बैठ जाओ, अपने मेडिटेशन कर लो, दुआ पढ़ लो, कोई भजन कर लो, जो भी आप करते हो जिससे भी आपको सुकून मिलता है वो चीज़ आप करो, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करो, आराम से अपने माइंड को आपको रिलैक्स करना है। अब मत सोचना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो कर सकते थे वो सब कर चुके हो, अब आपका काम है अपने माइंड को रिलैक्स करना। डीप ब्रीथिंग कर लो, आंखें मिच के थोड़ी देर सुकून से बैठ जाओ, कहीं शांति में चले जाओ, फ्रेश हवा ले लो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप घर से निकलेंगे, फिर आप एग्जाम सेंटर पहुँचेंगे, सेंटर के गेट पर पहुँचेंगे, गेट खुलने वाला होगा, जैसे आपकी क्लास से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी ना, वैसे ही आपके दिल की धड़कन धक 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 और तेज़ होती चली जाएगी। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए हैं, एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए हैं, अपने क्लासरूम में आ चुके हैं, अब आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम रूम में जाते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपनी सीट सही ढूंढनी है कि जो आपकी सीट है वहीं पर आपको जाके बैठना है। सबसे पहले क्या काम करना, चेक कर लेना कि कहीं सीट टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई तो नहीं है। कई बार ना डेस्क ऐसी होती हैं स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल की, कि वो हिल रही होती है, मतलब पीछे बैठेंगे पीछे, लिखने के लिए आगे झुके आगे, तो वैसी डोलती रहती हैं। ऐसी डेस्क पे ना आप एग्जाम लिखना दुभर हो जाएगा आपका, पता लगा लिखे वो आगे हो गए, फिर पीछे हुए फिर वो उठे, तो हिलता रहेगा, राइटिंग पे असर पड़ेगा आपकी, और आपके पूरे एग्जाम का जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो बिगड़ जाएगा। तो अगर कोई डेस्क आपको ऐसी मिल जाती है कि भैया चुर चुर कर रही है, हिल रही है, झटके खा रही है, टीचर से कह दो सर ये डेस्क ठीक नहीं है, डेस्क बदलवा दीजिए, ठीक है। ये काम जरूर चेक कर लेना, और शर्माना मत ये बोलने में, कहीं डरी जाओ या टीचर पीट ना दे, भाई कोई नहीं पीटता, सब हेल्प करेंगे आपकी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, 3 घंटे बैठना है ना, एग्जाम लिखना है ना, तो ऐसे डोलने वाले डेस्क पे कैसे लिख लोगे आप, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करना, अगर ऐसी दिक्कत आए फौरन टीचर से बोलो सर डेस्क मेरी हिल रही है, यही टूटा हुआ, इसका फट्टा मैं लिख नहीं पाऊंगा, दूसरी चेंज करा दो, वो करा के देंगे आप। बहुत से बच्चे हमारे लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं जो कि उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो वो लोग ये चेक कर लें, वो बच्चे ये चेक कर लें कि जो उनकी डेस्क है उधर उनके पास लेफ्ट हैंड पे स्पेस है ना लिखने के लिए, हाथ चलाने के लिए, कहीं डेस्क ऐसी तो नहीं राइट हैंडेड वालों के लिए बना दी गई हो। इन चीज़ का ध्यान रखना अगर आप लेफ्ट हैंडेड है या फिर उल्टे हाथ से लिखते हैं, ऑल राइट, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का। कपड़े आपको ऐसे पहन के जाने हैं जो कंफर्टेबल हों, थोड़े से लूज हों, फैशन करने नहीं जा रहा है आप वहाँ पे, स्कूल नहीं है जो आपको लड़कियों को इंप्रेस करना है, पेपर देने जाना है, तो अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, लूज रहें ताकि आपको बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे। और अभी मौसम भी ऐसा है, जाती हुई सर्दियाँ हैं, तो कभी गर्मी लगने लगती है, कभी एकदम सर्दी लगने लगती है, तो इतने ज़्यादा मोटे कपड़े भी मत पहन जाना कि गर्मी लगने लगे और गर्मी दिमाग पर चढ़ जाए, सर में दर्द हो जाए, बीपी आपका हाई हो जाए, ना ही इतने हल्के बिल्कुल ही सिंगल शर्ट में चले गए फिर वहाँ पे आपको ठंड लग रही है रूम में। तो थोड़ा सा देख लेना कैसा आपके घर के आसपास का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाना, ऑल राइट। तो इन चीजों का भी आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना आप। तो अब आप गए, जाके अपनी सीट पे बैठ गए, सब कुछ आपने चेक कर लिया है, आप आराम से बैठ गए, अब आपको मिलेगी आपकी आंसर शीट। तो आंसर शीट में अपना ठीक से अपना रोल नंबर, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना स्कूल का नाम या जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ ध्यान से सही सही लिखना, गलती या जल्दबाजी या गड़बड़ मत कर देना कुछ, पता लगा आपने गड़बड़ कर दी फिर दिक्कत आपको आएगी। तो इसीलिए आराम से टाइम लेना, पेपर थोड़ी शुरू हो गया अभी, ठीक है ना, आराम से उसको सही तरीके से डिटेल सारी जो है फिल करना। उसके बाद आपको मिलेगा आपका पेपर, और उसको पढ़ने के लिए आपको पहले 15 मिनट जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें आप लिख कुछ नहीं सकते लेकिन पढ़ सकते हैं। इन 15 मिनट में आपको पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, कौन सा सवाल कितने नंबर का है वो देख लेना, सवाल के आगे नंबर लिखे होते हैं, और ये आपको देखना है कि मुझे कौन सा सवाल सबसे पहले शुरू करना है। ये लिस्टिंग आपको एटलीस्ट 5 सवालों की लिस्टिंग तो पहले ही कर लेना पेपर शुरू करने से पहले, कि मुझे कौन से 5 बेस्ट सवाल आते हैं जो मैं सबसे पहले करूंगा। तो पूरा
पेपर पढ़ लो भैया, कोई सवाल बाद में है, सबसे बड़ी आता है सबसे पहले ये करूँगा, उसके बाद ये वाला करूँगा, अच्छा फिर ये वाला भी मुझे आता है, ये करूँगा। तो ऐसे आपको माइंड में लिस्टिंग कर लेना, या कहीं पर अगर भूल जाओ हल्का सा इशारे के लिए कोई निशान लगा लेना, कुछ कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि मुझे ये सवाल सबसे पहले करने, क्योंकि ये मुझे आते हैं। उससे क्या होगा, आपने 15 मिनट में पूरा पेपर एनालाइज कर लिया, आपको 5-6 सवाल बेस्ट आते थे, आपने उनकी लिस्टिंग कर ली, सबसे पहले ये करूँगा फिर ये फिर ये फिर ये, तो आपका शुरू का 1.5 घंटा जो है, जो 1 घंटा है, इन 5 सवालों में जाएगा जो आपको आते हैं बढ़िया से। तो यहाँ से आपने ये करेंगे ना जब, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार मैंने इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो मैं पास हो गया। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। और जो सवाल फिर आपको कम आते हैं या फिर नहीं आते, उनको भी आप सोच समझ कर फिर लिख पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले से ही लिस्टिंग कर लेनी है कम से कम 5 सवालों की, जो आपको बेस्ट शुरू करना है, जिनसे पेपर। जब पेपर पहली बार आप हाथ में लेंगे तो कौन सी फीलिंग होगी, मिक्स्ड फीलिंग होगी, क्योंकि कई सवाल ऐसे दिखेंगे जो आपको आते होंगे, कई सवाल ऐसे दिखेंगे जो आपको थोड़े बहुत आते होंगे, कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आपको डरना नहीं है, जो सवाल नहीं आता आप उसको देख के पैनिक करेंगे, फिर जो आता होगा उसको देख के आपको थोड़ा सा काम फील होगा, हाँ ये आता है। तो इसलिए ये मिक्स फीलिंग आपकी रहेगी, सबके साथ रहती है, मेरे साथ भी रही थी। तो आपको लेकिन ये एंजाइटी को ना ऊपर नहीं बढ़ने देना है, बढ़ावा नहीं देना है इसको, भैया मिक्स फीलिंग कोई बात नहीं, जो आते हैं पहले मैं उसको तो करूँ, जो नहीं आते उनको मैं बाद में देखूंगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे सामने की बातें क्या हुआ था, हुआ ये था कि बच्चों ने पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है यार सबसे बढ़िया मुझे ये आता है, मैं इससे पेपर की शुरुआत करूँगा, सबसे पहले ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन करूँगा। अब उसने क्या किया, पेपर करना शुरू किया, अब क्वेश्चन नंबर आंसर वो देने जा रहा है 9th क्वेश्चन का, 9वें सवाल का, लेकिन उसने क्या करा, क्योंकि उसने नया पेपर शुरू करा ना लिखना पहला सवाल, तो उसने लिख दिया आंसर खत्म, ये गड़बड़ी कर दी, आंसर 1 लिख के उसने 9th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पता है 0 मार्क्स, कोई नंबर नहीं। क्यों नहीं, पूरा 5 नंबर का सवाल उसको आता है, सही लिख के आया है, एक भी नंबर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर की गलती करती। ये गलती आप मत करना, बच्चे कर देते हैं अक्सर, के पेपर शुरू कर रहे हैं तो आंसर नंबर 1 आंसर दे रहे हैं, मैं कोई और सा जो उनको आता है। तो भैया ध्यान से देख लेना ये चीज़ एक बार ध्यान से, कि क्या, कि मैं जोन से क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का देने जा रहा हूँ, भले ही सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, लेकिन आंसर 12 लिखना, आंसर 12 लिखना, 15वां सवाल कर रहा हूँ सबसे पहले आंसर 15 लिखना, ये गड़बड़ी मत करना कि आंसर 1, 2, 3, 4 नहीं, जो देने जा रहे हो, जो सवाल, जो नंबर है, वही नंबर उसके आंसर में लिखना। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये गलती आप ना कर देना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं एक केस ऐसा होता है कि आपका ना पेपर टफ आ गया, हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए, अब यहाँ पर आप डरने लगेंगे, लेकिन एक बात ये भी तो सोचो, अगर पेपर टफ आया है सबके लिए ही आया है ना, पूरे 20-35 लाख जो बच्चे दे रहे हैं सबके लिए पेपर टफ होगा, तो फिर डरना कैसा, सबके लिए ही टफ है वो, तो आपको डरना नहीं है अगर पेपर आपको मुश्किल आ जाए आपके सामने। बट एक बात ध्यान रखिए, बैठे रहना, मगर क्यों, जी हाँ, ये मत सोचना यार अब तो सवाल मुझसे आ ही नहीं रहे, अभी 1 घंटा है क्या करूँगा, पेपर देके घर निकल जाऊँ, ना 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 ना, पूरे 3 घंटे आपको वहीं बैठना है, पूरा जो आपका टाइम है आपको वो देना ही देना है, खाली बैठे रहो, कुछ मत करो, लेकिन बैठो, क्यों बैठो, क्या मिलेगा बताता हूँ। जब आप बैठते हैं ना तो आपका माइंड चलता है, सबको आप देख रहे हैं यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, फिर आपका माइंड चलता है, क्योंकि आपने पूरे साल स्कूल गए हो, ट्यूशन गए हो, क्लासेस ली हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा होगा ना इस भेजे में आपके, फिर वो चीज़ें निकलना शुरू होती हैं अंदर से, फिर आपका माइंड जो है वो घूमता है अंदर ही अंदर, यार इसका कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ याद कर, ऐसा कुछ हुआ था क्या, कुछ इससे रिलेटेड कुछ सुना था पढ़ा था, बैठे बैठे फिर चीज़ें आपके माइंड में आने लगती हैं, आप बना बना के क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे, क्या पता आपका कोई यार दोस्त आपको हिंट दे दे इसमें यह कर ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए पूरे 3 घंटे आपको बैठना है, ये बात ध्यान रखना, पहले से मत निकल जाना अगर पेपर नहीं आ रहा, जब आप बैठेंगे तो ही आपका माइंड चलेगा, तो आप खुद से सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ बनाकर लिखकर जरूर आएंगे, ऐसे पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर छोड़ना नहीं है। एक एक सवाल ध्यान से पढ़ो, अगली बात ये है क्या है, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है पहले समझो, फिर आंसर लिखो। कई बार बच्चे आधा सवाल पढ़ा, हाँ ये तो था,
लिख क्या गए भाई, आगे तो पढ़ ले क्या था, पूरा पता ही नहीं है, लिख के कुछ और आ गए, नंबर कट जाते हैं। सवाल एक बार ध्यान से पढ़ लो फिर आप लिखना शुरू करो, ठीक है जी। और दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, मत ध्यान दो। आपकी नज़र सिर्फ ऐसे जैसे घोड़े के नाल लगा देते ना इस तरीके से, आपकी नज़र आपके पेपर पे होनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बेटर पेपर करूँ, ये से ज़्यादा ध्यान रखना। और टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि अगर आपके जो भी सब्जेक्टिव पेपर है, लिखने वाला पेपर है, थ्योरी वाला पेपर है, उसमें कितने सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल को मुझे कितना टाइम देना है, मुझे एसे को कितना टाइम देना है, मुझे लेटर को कितना टाइम देना है, मुझे आर्टिकल को कितना टाइम देना है, मुझे अंतिम पैसेज को कितना टाइम देना है, मुझे ग्रामर को कितना टाइम देना है, मुझे लिटरेचर को कितना टाइम देना है, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मुझे जो चीज़ें हैं बाकी उसमें कितना टाइम देना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आप पूरा पेपर जो है वो अच्छे से कर सकें। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखने को आ गया 500-600 वर्ड में, आप उसी को लिखे चले जा रहे हैं, एक घंटा आपने सोच सोच के लिख रहे हैं, बना बना के लिख रहे हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा उसी में निकाल दिया, ऐसा मत करना। जो चीज़ जितना टाइम चाहिए, जितने टाइम की है, जितना टाइम डिजर्व करती है, उसको सिर्फ उतना ही टाइम दो, उसके बाद फौरन आगे बढ़ो। अब इन केस मैंने कहा था ना कि अगर आप लेट हो जाएं, पहुंचने में देरी हो जाए तो क्या करें, बताता हूँ। वैसे तो होना नहीं चाहिए, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करना, बट इफ़ इन केस कुछ भी प्रॉब्लम किसी ना किसी बच्चे के साथ हो सकती है, वो लेट हो जाए, तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, एंट्री स्कूल वाले दे देते हैं, ठीक है जी, एंट्री आपको मिल जाएगी, टीचर्स आपको दे देंगे। बट ऐसा ना हो कि आप एक दो घंटे बाद आ रहे हैं, तो ऐसा ही मत करना। अगर कोई 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया, एंट्री मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं कि मेरा तो पेपर निकल गया, टाइम निकल गया, पेपर शुरू हो गया, सब आगे चले गए, ऐसा मत सोचना। क्यों? अब आपको अकॉर्डिंगली क्या करना है, अपना प्लान चेंज करना है। कैसे? अब आप मान लीजिए 15 मिनट लेट पहुंचे, तो 15 मिनट आपके गए ना, अब आपको टाइम मैनेजमेंट में ये 15 मिनट क्वेश्चंस की टाइमिंग में अलग अलग कम कर देने हैं। कैसे? मान लो कोई क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना है, नहीं जी, अब उसको सिर्फ आप दो 15 मिनट में जितना लिख पाओ, जितना ऐसे लिख पाओ लिख दो, आगे बढ़ जाओ। कोई और अंतिम पैसेज है, कोई और सा सवाल है जिसको आपको 10 मिनट देने थे, उसके आप कर दो 6-7 मिनट। तो ऐसे आप बड़े बड़े सवालों में से ना दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट कम कर दीजिए, इस तरीके से आप वो 15 मिनट वहाँ पे कंपनसेट कर देंगे, तो आपको फिर बाकी सवालों की टाइमिंग कम करनी पड़ेगी ताकि आप पूरा पेपर कर पाएं। ऐसा मत करना कि 15 मिनट की वजह से आपने कोई 2-4 सवाल छोड़ दिए जो बड़े बड़े मार्क्स के थे, नहीं नहीं, सवाल सारे करने, भले ही थोड़ा कम लिख के आप आओगे कोई बात नहीं, सवाल तो सारे करोगे ना, सब में कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेगा ना, लेकिन अगर आपने सवाल ही छोड़ दिए पूरे टाइम की वजह से, तो वो आपका ज्यादा नुकसान होगा। तो वो बड़ा नुकसान नहीं करना आपको, आपको कम नुकसान छोटा नुकसान करना है कि सवाल सारे करने हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी उनकी लेंथ कम कर देनी है, टाइम कम कर देना है बेसिकली। लेंथ तो अगर आप चाहें तो स्पीड तेज करके इक्वल कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको मैनेज करना है। अब एग्जाम देते टाइम बच्चे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उस प्रॉब्लम का नाम है मेमोरी ब्लॉक। जी हाँ, कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनकी मेमोरी ब्लॉक हो जाती है, मतलब जब वो देखते हैं टाइम चल रहा है, घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक, टाइम कब होता चला जा रहा है, सब लिख रहे हैं, तो वो याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं आ पाता क्वेश्चन का आंसर, वो सोचते रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है उनकी मेमोरी ब्लॉक हो जाती है, मतलब अब वो चाह कर भी वो चीज़ याद नहीं रख पाएंगे, मतलब उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको ये फील आने लगे कि भैया मुझे याद नहीं आ रहा है, समझ जाना आपके साथ हो गया है मेमोरी ब्लॉक, आपकी मेमोरी ब्लॉक हो गई है टाइम को देखते हुए प्रेशर के साथ, क्या करना है, उस क्वेश्चन में टाइम नहीं गवाना है, सोचते मत रह जाना बैठ के, उसको छोड़ दो, उसके नीचे का स्पेस छोड़ दो 5-6 लाइनें, अगले सवाल के ऊपर बढ़ जाओ। जी हाँ, अगर उसको सोचते रहोगे याद भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आगे के सवाल भी छूटेंगे, वो तो छूटेगा ही छूटेगा, तो ऐसा नुकसान आपको नहीं करना है। आपको अगर कोई सवाल सोचो, 1-2 मिनट सोचो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो, अगला सवाल करो, क्या पता बाद में वो सवाल याद आ रहा है उस सवाल के करने के बाद या फिर थोड़ी देर बाद, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फील करो तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं एग्जाम देते टाइम, वो है अपनी निगेटिव टॉक्स। जी हाँ, खुद ही जब पेपर नहीं आता ना, सवाल याद नहीं हो रहे होते, आंसर लिख नहीं पा रहे होते, यार मैं तो फेल हो गया, मैं तो गया, मेरी तो लुटिया डूब गई, अरे भैया क्या होगा, अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करना, बड़े बड़े महारथी अगर सेल्फ टॉक कर लेते हैं तो भैया टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, तो भैया आप तो किस खेत की मूली हो, आप तो जरा से नन्हे बच्चे बच्चियाँ हो जरा सी, तो इसीलिए आपको सेल्फ टॉक नहीं करनी कि एग्जाम में पेपर नहीं बन रहा, सवाल नहीं आ रहा, कि मैं तो फेल हो गया, मेरा तो हो गया, साल बर्बाद हो गया, ये बातें अपने आप से नहीं बोलनी है। सवाल नहीं आ रहा, सोचो कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो लिख के आऊँ, क्या था इसके बारे में, कुछ तो याद आएगा मुझे, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, कभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, नहीं याद आए किसी दोस्त से बाद में, एट द एंड ऑफ पेपर, जब पेपर खत्म होने वाला उस टाइम पे कोशिश करना, अगर पता चल जाए तो पूछ के लिख देना, लेकिन अपने आप से उल्टी सीधी बातें प्लीज़ मत करना। जैसे तैसे आपका पेपर पूरा हो जाएगा, पेपर पूरा करके आना, पूरे टाइम बैठ के आना, पेपर करने के बाद
पेपर करने के बाद डिस्कस मत करना बाहर आते ही, तो यार इसका क्या सही आंसर था, यार तूने इसमें क्या लिखा, यार ये पेपर का भाई गया ना पेपर, जाने दो। अब अगर आपको पता चल गया इसमें ये नहीं ये लिखना था तो क्या आप अंदर जाके चेंज करके आ जाओगे? नहीं आ पाओगे ना, हो ही नहीं पाएगा। अब तो जैसा देना था आप दे चुके, अब तो आपके जो मार्क्स आएंगे वही आपका रिजल्ट बताएंगे। तो भैया जैसा जाना था गया, धक्का दो, जाने दो, अगला जो पेपर आएगा उसके बारे में घर जाके सोचना। तो पेपर देख के बाहर निकलने के बाद पेपर को डिस्कस मत करना कि इसका आंसर क्या था, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, तू क्या करके आया, तूने कौन सा छोड़ा। अबे गया ना, जाने दो, खत्म करो टेंशन। टेंशन ही तो थी, चली गई, जाने दो बस। अब क्यों डिस्कस कर रहे हो कि ऐसा वैसा कुछ भी, भाई घर जाओ आराम से अगले पेपर के बारे में सोचो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज मैंने बता दिया आपको कि सुबह से लेकर पेपर में जाने तक, पेपर के अंदर क्या आपको करना है, पेपर के दौरान प्रॉब्लम आ जाए उनका आपको क्या करना है, और साथ साथ पेपर देने के बाद आपको क्या करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको गाइडेंस दे दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सो देट आपकी जो अच्छी तैयारी, आप तैयारी आपने अच्छी करी है, अच्छी तैयारी जो है वो आप सही से करके आएँ और सही तरीके से उसको आप पेपर में इंप्लीमेंट करके आएँ। टाइम मैनेजमेंट की वीडियो रही, मैथ्स का टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि कैसे आपको 3 घंटे में मैथ का कौन सा सेक्शन, कौन सा सवाल में कितना टाइम, कितने मिनट देने हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ और लाइव सेशन आपके लिए आते रहेंगे। अभी इंग्लिश के चल रहे हैं, इंग्लिश के बाद आपके मैथ्स के मैं स्टार्ट करूंगा लाइव सेशन, ठीक है। रिवीजन कराऊंगा, सैंपल पर सॉल्व कराऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सैंपल पर वगैरह, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डियर सर चैनल पे, क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।